एनीवेज लोगों की नहीं तुम्हारे। मैं बाद में फोन कर लूं। क्योंकि एक तुम ही तो जो ऐसे आड़े टेढ़े रास्ते चुनती हो फिर मुंह की खा के गिरती हो तो तुम दबा के भागती हो जैसे अभी जा रही हो। सॉरी तुम्हें किसी ने बताया नहीं ना तुम्हारा प्लान फेल हो गया। तुम सीधा जेल जाओ। क्या कह रही हो तुम जेल किस लिए? नॉट फेयर नॉट फेयर। तुम इतनी भोली बनने का नाटक मत करो। मैं जानती हूं मेरे भाई को उस केस में तुम्हीं ने फंसाया था और मुझे और मेरे परिवार को इस सोसाइटी से निकलवाने की साजिश की। और तुम्हें लगा ये सारी बातें मुझसे छुपी रहेंगी। कहीं अमृता को पूरा सच तो नहीं पता चल गया और विराट इसे भी सब। ओह नो। बेटा जी आप क्या कह रहे हो? इसे भेजते क्या क्या? हाँ सर। प्रियंका ने ईशा वो लड़की जिसने हर्ष पे इल्जाम लगाया उसे पैसे दिए हर्ष से दोस्ती करने के लिए और उसके बाद उस पर जबरदस्ती करने का इल्जाम लगाने के। यहां तक कि वो जो लड़की ईशा उसके पेरेंट्स भी नकली थे। इसने पैसे दिए थे उनको। मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद करने के लिए हमें इस सोसाइटी से बेइज्जत करके निकलवाने के लिए। वाओ स्लो क्लैप्स अमृता। देखा आप सबने कितनी अच्छी स्टोरी बनाई है तुमने। इसके भाई की गलती मुझ पे डाल रही है। ओ हाँ तुम तो उसकी बहन हो ना तो तुम तो यही करोगे पर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम्हारा भाई बिगड़ चुका है हाथ से निकल चुका है। थैंक गॉड कि वो डॉक्टर नहीं बना क्योंकि अगर वो डॉक्टर बनता तो उसको लड़कियों का इलाज करना पड़ता और लड़कियों को देखिए तो उसकी ठरक। हाउ डेयर यू। ओ आई कैन। जबान संभाल के बात करो। मेरे भाई के बारे में बात कर रही हूँ।